क्यों? क्योंकि शहर की मशहूर रखासा हुर्रा को जो एक नजर देख लेता है, क्या वो वाकई में इतनी खूबसूरत है? हाँ जमाल, हुर्रा है वो हुर्रा। हुस्न की चिंगारियों से बनी हुई, इश्क के लपकते शोलों में लिपटी हुई, ख्वाबों के गुलशन की महकती कली, जवानी की झूमती हुई आतिशी शराब है वो जमाल। जिसे तुम फांस कर लाए हो, क्या वो शराब पीता है खावर? नहीं, वो शराब नहीं पीता मेरी हसीन रक्कासा हुर्रा। जो नहीं पीता उसे पिलाना बहुत आसान है, मगर जो पीता है उसे ज्यादा पीने से रोकना बहुत ही मुश्किल काम है मेरे महबूब खावर। जमाल मेरा चचा साहब भाई है, मैं अपने चचा अमीर बिन अमीर जमाल के बाप का खजूरों का कारोबार बर्बाद कर देना चाहता हूँ। तुम्हारा काम हो जाएगा खावर, और कोई ख्वाहिश है? हाँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं जमाल और उसके खानदान को बर्बाद करके रख दूं, उसके शान को मैं खत्म कर दूं, उसके माँ बाप का बुढ़ापा रास्ते की धूल बन जाए और उसकी खूबसूरत बीवी नबीला दर दर भटके। खावर, अगर किसी घर को बर्बाद करना हो तो सबसे पहले उस घर की कमजोर दीवार को गिरा देना चाहिए, घर की बाकी दीवारें खुद ब खुद गिर जाएंगी। इसीलिए तो मैं इस कमजोर दीवार को तेरे हुस्न के हुजूर में ले आया हूँ गुर्रा। अपने खूबसूरत बीवी के होते हुए भी जमाल पराई औरतों में बड़ी दिलचस्पी लेता है। जमाल और उसके खानदान को तो मैं बर्बाद कर दूंगी, उसके महल पर तुम्हारा कब्जा हो जाएगा, मगर मुझे क्या मिलेगा? मेरा हिस्सा क्या होगा? मेरे हुस्न जवानी के गुनाहों की कीमत क्या होगी? ये तो बताओ सौदागर खावर। तुम ही मालिक होगी मेरी दिलरुबा हुर्रा। तुम इस शहर की बदनाम तरीन आबरू बाख्ता रक्कासा हो, और मैं इस शहर का बाइज्जत ताजिर हूं। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें इस बदनामी बदचलनी और बेइज्जती की जिंदगी से निकालकर इज्जत की जिंदगी बख्शूंगा। बोलो, क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? मंजूर है, मेरी इज्जत के सौदागर, मंजूर है। सब्र करो जमाल, बड़ी इज्जत वाले बड़े बड़े सौदागर रक्कासा हुर्रा की गलियों के चक्कर काटते हैं। हाँ, मगर कब दीदार होंगे हुर्रा के? आखिर वो कब आएगी और कितना इंतजार करना होगा? मेरी हसीन मेहमान, बस इंतजार खत्म हुआ। जहमत इंतजार की ये हुर्रा आपसे मुआफी चाहती है मेरे हसीन मेहमान। मिस्र की बेमिसाल रक्कासाए हुस्नो शबाब के हुजूर में जमाल बिन आमिर हदिया सलाम पेश करता है, कबूल फरमाकर इज्जत बख्शे। शुक्रिया है मेरे हसीन, हुस्न के शैदाई, मेरे रक्स के कद्रदान, लीजिए कबूल कीजिए जामे मोहब्बत। ये शराब है ना? नहीं नहीं, इसे पीना तो दूर, इसे हाथ लगाना भी गुनाह है। हाथ ना लगाओ, होंठ लगा लो, या फिर निगाहों से पी लो, शीशे के पैमाने से नहीं तो जिस्म के मैखाने के साए में पी लो। जिस्म का मैखाना? हाँ।
मेहखाना है, पैमाना है और दिल दीवाना भी है। हुस्न की शमा पर जलने को अब परवाना भी है। लीजिए मेरे हसीन मेहमान, जाम मोहब्बत पीजिए, पीजिए ना। पियो जमाल, पियो। पियो मेरे दोस्त। मैं तुम पर अपनी सारी दौलत लुटा डालूंगा। शाबाश मेरे यार, पियो पियो। पीजिए और पीजिए। पियो मेरे यार। ये सब मेरे हुर्रा के लिए। बेटा, बेटा जमाल, ये क्या कर रहे हो? ये दौलत अमानत है, ये अशरफियां खैरात ज़कात है बेटे, ये मोहताज गरीब यतीमों के लिए है बेटे। इस अमानत में खयानत न करो बेटे। अल्लाह नाराज होगा। ज़कात खैरात जरूरतमंदों का हक है, वो न ले जाओ बेटे। तुम ये दिरहम ले जाओ और दीनार ले जाओ। अम्मी जान सही कह रही हैं। ये इतनी सी अशरफियां, ये अशरफियां तो मेरी शान के खिलाफ हैं। आखिर ये दौलत तुम्हें किस काम के लिए चाहिए? ये मत पूछिए। और फिर दौलत तो दौलत ही होती है, उसमें अच्छा क्या और बुरा क्या, ज़कात क्या और खैरात क्या? अल्लाह नाराज होगा बेटे। रद्दे बेटे, बेटे, अरे बेटे, सुनो बेटे, मेरी बात बेटे। हुर्रा, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी कायनात हो। सात दिन हो गए बेटी, बेटा जमाल अब तक क्यों नहीं आया? उस दीनों ईमान की दुश्मन हुर्रा को खुदा समझे, मेरे बेटे को गुमराह कर दिया उसने। मेरा शौहर मुझसे छीन लिया, बिचार मुझसे छीन लिया। बेटी, कोई किसी को नहीं छीन सकता, कोई किसी को नहीं छीन सकता। अगर इंसान खुद अच्छा बुरा समझे तो उसे कोई नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसके बिगाड़ने में तुम्हारे लाड और प्यार का बहुत ही बड़ा हाथ है बेगम। कोई भी माँ अपनी औलाद को बर्बाद करना चाहेगी? नहीं चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी। लेकिन जाने अनजाने में माँ बाप औलाद की जिन छोटी छोटी गलतियों और बुरी आदतों को उसकी मामूली बातें समझकर
उसे बेपरवाही से देखते हैं तो वही बातें आगे चलकर औलाद को बेपरवाह, बदतमीज और गुस्ताख बनाकर बर्बाद कर देती है। बिल्कुल सच कहा। अगर अगर आप इजाजत दे तो मैं हुर्रा के मकान पर जाऊं। बेगम, ये क्या कह दिया आपने, क्या कह दिया आपने? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है बेगम, जो उस बदनाम तरीन इलाके में आप जैसी शरीफ और मौजीज खानदान की बेगम उस तवायफ जादी हुर्रा से अपना बेटा मांगने जाएंगी? माफ कर दीजिएगा, गलती हो गई मुझसे। बेटे की मोहब्बत और अपनी ममता में मैं तो ये भी भूल गई कि शरीफ खानदान में तो उस जगह का नाम लेना भी बेइज्जती समझते हैं। हमारे खानदान की इज्जत अब उस मंजिल पर आ गई है जहां अपने भटकते बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे अपने बुढ़ापे को जलील करना पड़ेगा। मैं उस बदनाम गली से गुजरकर अपने बेटे तक जरूर पहुंचूंगा, जरूर पहुंचूंगा। माफ कीजिए जनाब, आप बताएंगे रक्कासा हुर्रा का बाला खाना कहाँ है? ये उम्र और बाला खाने का शौक, और वो भी दिन के उजाले में। अरे भैया, इंसान को बिगड़ते क्या देर लगती है, और जब बिगड़ जाए तो दिन क्या और रात क्या है? और वो जालिम हुर्रा चीज ही ऐसी है, देखते नहीं मशहूर ताजिर आमिर बिन आमिर का बेटा जमाल बिन आमिर रक्कासा हुर्रा के तलवे चाट रहा है। ये बड़ा मियाँ उसी के चक्कर में आए होंगे। क्या कहा? आमिर बिन अमीर, मिस्र के मशहूर ताजिर, रही से शहर यानी जमाल के वालिद बुजुर्गवार मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। ज़ईफुल उम्र आमिर बिन अमीर, जमाल के वालिद, क्या आप जानते नहीं आप किसके सामने खड़े हैं और क्या मांगने आए हैं? सोच लीजिए, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मांगने नहीं, मैं देने आया हूं। तेरी दुकान पर हमारे खानदान की जिंदगी खरीदने आया हूं मैं। एक माँ के बेटे और एक बीवी के शौहर को खरीदने आया हूं मैं। कीमत से भी ज्यादा कीमत है मोतियों की। ये हमारे खानदान के बहुत ही कीमती अनमोल मोती ले ले और हमारा खानदानी हीरा हमें वापस दे दे। ज़ईफुल उम्र आमिर बिन अमीर, जमाल के वालिद, क्या आप जानते नहीं आप किसके सामने खड़े हैं और क्या मांगने आए हैं? सोच लीजिए, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मांगने नहीं, मैं देने आया हूं। तेरी दुकान पर हमारे खानदान की जिंदगी खरीदने आया हूं मैं। एक माँ के बेटे और एक बीवी के शौहर को खरीदने आया हूं मैं। कीमत से भी ज्यादा कीमत है इन मोतियों की। ये हमारे खानदान के बहुत ही कीमती अनमोल मोती ले ले।
ये हमारे खानदान के बहुत ही कीमती अनमोल मोती ले ले और हमारा खानदानी हीरा हमें वापस दे दे। कमाल है, मोती लेकर जमाल लौटा दूं। अपनी ख्वाबगाह में अंधेरा करके तुम्हारे महल में उजाला कर दूं। मैं पत्थर के मोती लेकर हीरे से भी ज्यादा कीमती इंसान जमाल को दे दूं। मैं इतनी बर्दा फरोश नहीं। लेकिन तू ईमान फरोश जरूर है। खामोश है बूढ़े इंसान, इतनी उम्र हो गई और जानता नहीं जवानी माँ बाप के मोहताज नहीं होती, वो हुस्न की गुलाम होती है। जा, चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। बदतमीज, गुस्ताख, बदकार औरत, मैं मेरे बेटे को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। जमाल, बेटा जमाल। कौन? कौन? बेटा जमाल, कौन है जो मुझे पुकार रहा है? हाँ? जमाल, मैं तुम्हारा अब्बू। जमाल बेटे, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अब्बू आया हूँ, तुम्हारा बाबा जान। ओ, छोड़ दे गुस्ताख, मुझे छोड़ दे। मैं तुम्हें यहाँ से अंदर नहीं जाने दूंगी। मैं मेरे बेटे को लेकर ही जाऊंगा। तुम अपने बेटे को यहाँ से नहीं ले जा सकते। जो एक बार मेरी जुल्फों के जाल में और मेरी आंखों के काजल में फंस जाता है, या तो वो अपनी जान से जाता है या फिर फकीर बन जाता है। मैं अपने बेटे को तुझ जैसी खूबसूरत बला से बचा कर ही रहूंगा। तुम अपने बेटे की लाश भी नहीं यहाँ से लेकर जा सकते। ले जाओ इसे यहाँ से, दूर हटा दो इसे। बदतमीज, मुझे छोड़ दे, मुझे मेरे बेटे से मिलने दे। छोड़ दो इन्हें, छोड़ो। बेटे खावन, बेशर्म गुस्ताख, मेरे चचा जान के साथ बदतमीजी करते तुझे शर्म नहीं आती? खबरदार, जो अब तुमने मेरे चचा जान की शान में कोई गुस्ताखी की। चचा जान, आप घर जाइए, मैं जमाल भाईजान को लेके घर आता हूं। अच्छा बेटे, लेकिन तुम जमाल को लेकर आओगे ना? हाँ हाँ चचा जान, शाम होते ही जमाल भाईजान मेरे साथ घर वापस लौट आएंगे। आखिर मैं आपका भतीजा हूं। आइए चचा जान। खावर, खावर वहां क्या कर रहा था? अचानक वहां आया और मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। अगर उनकी दोस्ती खावर से है तो ये अच्छी बात नहीं है। खुदा रहम करे मेरे सरताज पर, ये खुदा की मेहरबानी समझो कि उसने औलाद के सीने में माँ का दिल नहीं रखा, वरना माँ की मोहब्बत में मेरा बेटा कितना तड़पता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खावर, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने खावर। इस बदसात औरत हुर्रा को साथ में क्यों लेकर आ गए? मैं तो नहीं चाहता था चचा जान, पर मैं क्या करता। जमाल भाईजान तो इसके बिना आने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसीलिए मुझे मजबूरन
हुर्रा को भी अपने साथ लेकर आना। लेकिन ये फाहिशा घर में दाखिल नहीं हो सकती। नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? मैं पूछता हूं, क्यों नहीं हो सकती? जहां मैं रहूंगा वहां ये भी रहेगी। नहीं, ये यहां नहीं रह सकती। ये घर है, बाजार नहीं। ये शरीफों का घर है। और शरीफों का ये घर नेकी और शराफत की तरह पाक है। और किसी पाक जगह पर पैर की जूती लाना गुनाह है, उस पाक जगह की बेइज्जती है। मुझे पैर की जूती कहा? सुना तुमने? इसने मुझे पैर की जूती कहा? कितने पैरों से उतरी हुई जूती मेरे अक्ल के अंधे बेटे जमाल के सर का ताज बनी हुई है। सुन रहे हो बुजदिल? ये बूढ़ा मिस्र के बाजारे हुस्न की मशहूर तवायफ हुर्रा की बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती तो तूने यहाँ आकर हमारी करती है, हमारे घर में कदम रखकर। अब्बा जान, अब अगर एक लफ्ज भी हुर्रा की शान में कहा ना, एक लफ्ज भी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। हाँ, क्या करेगा तू? क्या करेगा? बाप पर हाथ उठाएगा तू? बाप पर हाथ उठाएगा? बाप पर ही नहीं, माँ पर भी। बाबा पर हाथ उठाएगा? हाँ, तू बाबा पर हाथ उठाएगा? हाँ, मजबूरन ये भी करना पड़ेगा। हुर्रा और उसके साथियों की बेइज्जती मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम इन आवारा लोगों की वजह से माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हो? ये नए नए लोग, आज के मिले हुए गैर लोग तुम्हें इतने अजीज हो गए हैं कि हमें जलील करने के लिए तैयार हो गए हो तुम? आओ हुर्रा, साजिंदो, कनीजों, गुलामों, तुम सब भी आओ। आज से तुम सब यही रहोगे, यही महफिल जमेगी और यही नाच गाना होगा। खबरदार, खबरदार, रुक जाओ उधर ही। ये घर मेरा है, इस घर का मालिक मैं हूं, मैं तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। इस गलत फहमी में मत रहिएगा चाचा जान। जब आपने अपनी दुकान, अपना ये मकान, अपना सारा कारोबार अपने बेटे जमाल के नाम कर दिया था, तो वो इसका मालिक बन गया। और अब मैंने ये सब कुछ आपके बेटे से खरीद लिया है। खरीद लिया है? हाँ, अब मैं इस मकान का मालिक हूं, आपका इस पर कोई भी हक नहीं है। कैसे हक नहीं है? हाँ, कैसे हक नहीं है? ये मेरे शौहर के खून पसीने की कमाई का बनाया हुआ मकान है। वो खून पानी बन गया है चाची जान, जब आपने अपना सब कुछ अपनी औलाद के नाम लिख दिया था तो आपका यह हक जाता रहा। और अब आपको यहां से जाना होगा, यहां से निकाला जा सकता है। निकाला भी जा सकता है? ये जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है अम्मी जान। ये धोखा किया हमारे साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ धोखा किया है तूने। तूने हमसे ये घर छीन कर अपना घर जहन्नुम में बना लिया है बेटे, अपना घर जहन्नुम में बना लिया है। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह, या अल्लाह,
या अल्लाह, या अल्लाह, बेगम, क्या हुआ? क्या हो गया? मेरे नेक बुजुर्ग नमाजी माँ बाप, मेरे बुरे बर्ताव और घर के गंदे माहौल में बेइज्जत होकर न रह सकी और वो अपनी बाकी जिंदगी किसी मुकद्दस मुकाम पर बसर करने के लिए रवाना हो गए। मगर मेरे शौहर परस्त बीवी ने मुझे तबाही से बचाने के लिए मेरे साथ रहना अपना फर्ज समझा और वो जुल्मो सितम सहती रही। आखिर उस बदचलन जालिम हुर्रा के कहने पर मैंने अपनी वफाशियार बीवी को तलाक दे दी और खावर ने उसे मजबूर बनाकर उससे शादी करने की कोशिश की। मगर उस नेक सीरत पाक दामन ने उसे ठुकरा दिया और वह बेचारी अपने मां बाप के घर चली गई। जैसे जैसे दौलत कम होती चली गई, हुर्रा की मोहब्बत भी कम होती गई और मैं दौलत कमाने के लिए शहर के हर जुआ खाने में जा जाकर खूब जुआ खेलने लगा। जुए से आज तक कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सका, नहीं बन सका अमीर। यह बात उस वक्त नहीं, आज मेरी समझ में आई है कि जुए की कमाई से आज तक किसी ने भी महल, दुकान या कारखाने नहीं बनवाए हैं। दौलत का लालच, दौलत का हसीन ख्वाब इंसान को अंधा बना देता है। मैं मतलबी, खुद गर्ज और दौलत का लालची इंसान बन गया था। अशरफियों की जगह सांप कहां से आ गया? मगर ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले तो ये संदूक अशरफियों से भरा हुआ था। मैं जानती हूँ, ये चालाकी, ये बदमाशी जरूर उस जमाल ने की है। उसने अपने बाप की कमाई हुई दौलत को यहाँ से निकालकर इस संदूक में सांप को रख दिया है। तो आओ उसकी मरम्मत करते हैं, पता चल जाएगा कि उसने अपने बाप की कमाई हुई दौलत यहाँ से निकालकर कहाँ छुपा दी है। चलो आओ। जमाल, कहाँ है वो अशरफियाँ जो हमने संदूक में छुपा रखी थी? कहाँ है? कौन सी अशरफियाँ? जो तुमने मेरे इश्क के जुनून में मेरे हुस्न जवानी पर लुटाई थी, बताओ वो कहाँ है? सच मुझे पता नहीं, मुझे तो ये भी पता नहीं तो सारी दौलत तुमने कहाँ छुपा रखी थी। अब तुमने कहाँ छुपाई है मुझे ये बताओ। जमाल, तुमने वो अशरफियाँ संदूक से निकाल कर उनकी जगह एक सांप रख दिया है, कहाँ है बताओ? कमीने, दगाबाज, सांप तो तू है, तू आस्तीन का सांप। अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला।